वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह, तुसी देख रहे हो टूरिस्ट इंडिया इंस्टाग्राम फेसबुक ते यूट्यूब चैनल। अपनी वीडियो होंगी है क्या हुआ यानी कि क्वेश्चन द आंसर। तुसी कमेंट के रूप में मैं सवाल कर दे, मैं थोड़े सारे सवालों का जवाब इस वीडियो देना हूँ। यह वीडियो हर रोज़ रात को यूट्यूब तो रिलीज़ होंगी है। आओ शुरू करते हैं जी, अज का क्या हुआ ने। सब तो पहला कमेंट है जी बराड़ जट का, लिखते हैं पीटी ते कोई भी वीज़ा नहीं आ रहा। देखो इदा दी फिलहाल कोई वो नहीं हैगी, क्योंकि पीटी ते आस्ट्रेलिया भी फाइल अप्लाई की जा सकती है, पीटी ते तुसी यूके दी फाइल भी अप्लाई कर सकते हो, और पीटी ते तुसी कैनेडा दे पिछे न्यूज़ आई सी कि पीटी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। बट तुसी जेकर ये लिख के दे दें अपने कॉलेज स्कूल तो कि जो मीडियम इंग्लिश सीगा तो थोड़ी पीटी ते भी फाइल जी हैगी है लग सकती हैगी है। सो इस करके जे थोड़ा पीटी स्कोर अच्छा हैगा तो कंसीडर किया जा सकता है जी। अगला कमेंट है जी जेएसएम टीवी का, लिखते हैं सर हाउ मच फंड और डॉक्यूमेंट नीड कनेडा कन्वोकेशन वीजा। फंडा की जो गल करिए जी, फंड तो थोड़े जेकर तुम कले जा रहे है तो 4 to 5 lakh rupees बहुत है, जेकर तुम हसबेंड वाइफ जा रहे हो 5 to 7 lakh rupees बहुत है। डाकूमेंट्स जो काम करते हो वह प्रूफ चाहिए हैगा, थोड़ी बैंक की स्टेटमेंट चाहिए है, थोड़ी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन चाहिए है, जिसकी कन्वोकेशन है उस तो स्पॉन्सर लैटर चाहिए है, कन्वोकेशन का प्रूफ चाहिए है, पासपोर्ट की कापी चाहिए है। सो ये डाकूमेंट्स नाल कन्वोकेशन से जो वीज़ा है जी वो लै सकते हैं। अगला कमेंट है जी पंजाब पुलिस का, लिखते हैं सर मेरे एजेंट ने टूरिस्ट वीज़ा लई 10 साल ते अटेंड मैरिज इन कैनेडा तो उस तो वर्क परमिट हो जूगा जी। यदा कहने का मतलब है कि जो 10 साल का वीज़ा होंगे कि उस तो वर्क परमिट कन्वर्ट हो जाता है। तुम किसी भी जेकर थोड़े को वीज़ा हैगा कैनेडा का और थोड़ी पास्ट वर्क प्रोफाइल रही हैगी है तो तुम आपका वीज़ा जोड़ा है वह कन्वर्ट कर सकते हो, और वीज़ा जोड़ा है कन्वर्ट हो जाता है। सो कोई दिक्कत वाली गल नहीं, वीज़ा कन्वर्ट कराने वास्ते थोड़े को पास थोड़ी वर्क प्रोफाइल होनी चाहिए, तो पता होना चाहिए कि थोड़ा पिछे किम जोड़ा है शो किया पता होना चाहिए है। अगला कमेंट है जी बलविंदर कौर का, लिखते हैं सर माई रैलेटिव का टूरिस्ट वीज़ा लगा है कनेडा का, बट ही इज़ नॉट एजुकेटेड, क्या फिर भी वो वहाँ जॉब कर सकता है, अगर हाँ तो क्या। देखिए यदि कोई आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है और आप कनाडा जाके इसको कन्वर्ट कराना चाहते हैं, कन्वर्ट हो जाता है, बट वो लेबर कैटेगरी में सी या डी कैटेगरी में कन्वर्ट होता है, जैसे वर्क फार्म वर्कर हो गए जो खेती बाड़ी करते हैं, या जैसे पैकिंग वगैरह का काम हो गया और कुछ काम, उसके लिए आपको उस लेवल की एलमाई जो है वो ढूंढनी पड़ती है, तो काम मिल जाता है और वीजा भी कन्वर्ट जो है वो हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला कमेंट हैगा जी सिमी देवी, लिखते हैं सर कि मेरी बेटियां दा न्यूजीलैंड वर्क वीजा लग सकता है। देखो असी न्यूजीलैंड दे वर्क वीजे च डील नहीं करते जी, असी थोनू न्यूजीलैंड दा टूरिस्ट वीजा थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, टूरिस्ट वीजा लैके दे सकते हैं, और इस टाइम न्यूजीलैंड दे टूरिस्ट वीजे दा सक्सैस रेट भी जिहड़ा हैगा वो वधिया चल रहा। सो तुसी न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा लैके उत्थे पहुँच के उत्थे बहुत सारी ऑप्शन ने थोड़े कोल, तुसी ऑप्शन जी है वो लै सकते हैं जी। अगला कमेंट है जी शमिंदर सिंह का, लिखते हैं सर मैं लिबलान तो डिपोर्ट होया 2019 ते मैं पासपोर्ट भी न्यू करवा लिया सी, ते हुण 2022 दे लास्ट विच मैं थाईलैंड मलेशिया दुबई ट्रैवल किया है, मेरा न्यूजीलैंड का वीज़ा लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है जी, क्योंकि वो 3 साल पहला तुसी डिपोर्ट होए हो, नवा पासपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, तुसी जिहड़ा हैगा अप्लाई कर सकते हो। न्यूजीलैंड ने थोड़ी करंट प्रोफाइल देखनी हैगी है कि तुसी हुण की करते हो, हुण तुसी थोड़ी इनकम किन्नी हैगी है, थोड़े फैमिली टाइज किस तरह के हैगे ने, थोड़े को बैलेंस की है, थोड़ा परपज ऑफ ट्रैवल की है। सो हुण ये चीज़ा देखनिया ने, सो थोड़ी जिहड़ी पास्ट जो हिस्टरी रही है उस नालों कोई सरोकार जिहड़ा हैगा वो नहीं हैगा, सो तुसी अप्लाई कर सकते हो। ये भी ज़्यादा दिक्कत होंगी है जो थोड़ा उही पासपोर्ट का प्रॉब्लम आ सकती सी, बट थोड़ा पासपोर्ट तुसी चेंज करा लिया, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, तुसी जिहड़ा हैगा इस पासपोर्ट से वीज़ा अप्लाई कर सकते हो जी। अगला कमेंट है सुखबीर सिंह का, लिखते हैं हाँ जी सर न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई हो सकता है आफ्टर पेमेंट जी। हो सकता है जी, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, तुसी ऑफिस विजिट कर लियो तो दस देंगे थानू कि पेपर चाहिए ने, की सारी टर्म एंड कंडीशन ने, तो तुम देख सकते हो। अगला कमेंट है जी वरिंदर भुल्लर का, लिखते हैं हाई सर पी टी होम बेस्ड की इस कंट्री लई एक्सैप्टड है। होम बेस्ड तुम यूके का कर सकते हैं जी, यूके वास्ते होम बेस्ड भी मान ली जाती हैगी है, सो तुम यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो जी। अगला कमेंट है जी गुरबीर गुरी का, एक साडा एज्ड परसन है उहदा असीं वीज़ा लिता कैनेडा का, यह भाई साहब उस ते कमेंट करते हैगे ने जी कि इन्नी एज दे विच तां हर एक बंदा वीज़ा लग जांदा है, यंग एज दे विच वीज़ा नहीं लगता। इस तरह की कोई गल नहीं जी, तुसीं चंगी तरह
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿਡਲ ਏਜ ਹੈ। ਏਜ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਓਲਡ ਏਜ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਏਜ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਗਲੇਰੀਆ ਦਾ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਏਜ 27, ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ੋਪ ਓਨਰ ਹੈ ਜੀ, 2 ਈਅਰ ਦੀ ITR ਹੈ 4.5 ਲੱਖ ਦੀ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ 4.5 ਲੱਖ ਦਾ, ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਨੇ, ਮਦਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੈਨ ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਮਦਰ ਅਪਲਾਈ ਟੂਗੈਦਰ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, UK ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ UK ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਂਸਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਲੈਲਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਰ ਫੈਮਿਲੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਏ ਸਰ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਟਰਾਈ ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ। ਦੇਖੋ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਓ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਰ ਲਓ, UK ਕਰ ਲਓ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੋ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਲਿੰਕਡਇਨ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗੇਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ 3 ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।